आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी द्वारा आरक्षण के विरोध में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने कई मांगों को लेकर आवाज उठाई व कई सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला मुख्यालय पर प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा। कलेक्ट्री में हमको आरक्षण के विरोध में ज्ञापन देना है और आरक्षण सिर्फ और सिर्फ एक गरीब को मिलना चाहिए, ना कि कोई, यानी गरीब को ही मिलना चाहिए, जाति विशेष को नहीं मिलना चाहिए। ज्ञापन में मांगने क्या क्या मांग रखी है? ज्ञापन में मांग ये रखी है कि गायों की सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों को बिजली मिलनी चाहिए, किसानों को पूरी बिजली नहीं मिल रही, पीछे किसानों के साथ में शोषण हुआ, अभी किसानों के आलू खेतों में सड़ रहे हैं, उनको DAP नहीं मिल पाई, किसानों ने बुवाई नहीं कर पाई, आज लाइट भी पूरी नहीं मिल पा रही है, किसानों को लाइट नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से सिंचाई पूरी नहीं हो पा रही है, किसान बहुत हमारा परेशान है, दिन में पानी लगाता है, रात में गायों की रखवाली करता है, खेतों में गाय तो ये समझ लो तांडव कर रही है, उधर गाय भी परेशान है, गाय भी भूखा मर रही है, गायों को भी सरकार को कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए, भले सरकार कुछ नहीं, सरकार विफल है, दीमक लग चुका है हमारे समाज के लिए, जिसने देश को बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया है। आज जो भी लोग सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं, वो लोगों को सोचने की जरूरत है कि आज युवा वर्ग, जिसकी सब पार्टियां बात करती हैं, वो वर्ग आज बहुत ही पिछड़ता हुआ जा रहा है, और जिस आरक्षण की बदौलत सही एम्प्लॉयमेंट में लोग न पहुंचना, अच्छे लोगों की नियुक्ति न होना, जिसके कारण कोरोना जैसे महाकाल में हजारों मौतें हुई, जो एम्प्लॉयमेंट में सही अधिकारी सही जगह पर चुना हुआ नहीं पहुंचेगा, तो दिक्कतें बहुत आएंगी और आने वाली समस्याएं और भी गंभीर हो सकती हैं। इसी के लिए हमारा सबसे मेन मुद्दा आरक्षण का मुद्दा है। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर हो, जाति विशिष्ट आरक्षण का कोई लेना देना